आज की हमारी कहानी का नाम है ठाथू और मैं। यह कहानी दादाजी और पोती के प्यारे से रिश्ते पर आधारित है। चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। मैं उन्हें थाथा कहती हूँ, लेकिन कभी जब मुझे उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। तो ये है मेरे थाथू। मैं उनके साथ बहुत सारा खेलती हूँ और बहुत सारा समय बिताती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा देखने बाहर ले जाते हैं। बाहर जाते वक्त रास्ते में बहुत सारी गायें और बकरियां आ जाती हैं। उनको हटाने के लिए मैं जोर से हॉर्न बजाती हूँ। ऐसा करते ही सभी गाय बकरियां रास्ते से हट जाती है और हम लोग सिनेमा देखने चले जाते हैं। कभी कभी रात को जब मुझे कहानियां सुनाने थाथू मेरे पास बैठते तो मैं उनसे बहुत सारे सवाल पूछती और बहुत सारी बातें किया करती। एक दिन मैंने थाथू से पूछा, थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें? मेरे ऐसा कहते ही बस थाथू तो सर हिलाकर हंस दिए। मेरे थाथा के दांत नहीं है। वे जब हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब कभी बारिश होती है तो थाथा खिड़की से बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। फिर क्या, निकल पड़ते हैं हम दोनों बाहर। थाथू और मैं हमेशा ही कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। समुद्र तट पर ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढते हुए हमारे पास आती हैं। मेरी तो जैसे उंगलियां ही कुतर जाएंगी और ऐसा करके वह मुझे खेलने बुलाती हैं। समुद्र तट पर बहुत सारा समय बिताने के बाद हम घर को लौटते हैं। रास्ते में चलते वक्त ऐसा प्रतीत होता है जैसे चांद भी हमारे साथ साथ चल रहा हो। हम दौड़ लगाते हैं, कलाबाजियां खाते हैं, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। उसके बाद थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं, पर मैं पढ़ने दूं तब ना मेरे सवालों की जड़ियां शुरू। मैं एक एक करके उनसे बहुत से सवाल पूछती हूँ। मैं पूछती हूँ, थाथू क्या ये जादुई किताब है? थाथू मुस्कुराने लगते हैं। मैं फिर पूछती हूँ, थाथू क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? थाथू मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब सो जाओ। फिर क्या, मेरे सवाल खत्म नहीं होते, लेकिन नींद तो मुझे भी आ रही होती है, तो बस मैं वही उनकी गोद में सर रख कर सो जाती हूँ। तो यह है मेरे थाथू। मुझे मेरे थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं भी एक दिन अपने थाथू की तरह बनूं। तो यह थी छोटी सी कहानी थाथू और मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like the video, please share the video and subscribe the channel for more such videos.